वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच काटी की टक्कर। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए आज चाहिए 287 रन की जीत। वनडे वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का सामना जो है इंग्लैंड से होगा। मैच जो है दोपहर 2 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। टॉस जो है मैच से आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे होगा। वही पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के बाद पॉइंट टेबल पर जो है 5वें नंबर पर है। वह इंग्लैंड 8 मैचों में 2 जीत और 4 हार के साथ जो है 7वें नंबर पर है। वही आज का मैच जीतकर जो इंग्लैंड जो है चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर जाएगी। वही पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अगर जाना है तो उसे लगभग नामुमकिन अंतर से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी इंग्लैंड को हराना होगा। वही पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले अगर बैटिंग करती है तो उसे 287 रन से जीत जो है वो हासिल करनी होगी। अगर पाक टीम अगर चेज कर रही है तो उसे यहाँ पर तय टारगेट को 278 रन से यहाँ पर 284 गेंद बाकी रहते हुए यहाँ पर जीतना होगा। यानी टारगेट के अनुसार 22 से यहाँ पर 16 से 22 गेंदों के अंतर के मुकाबले से जीत लेना होगा। वहीं वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं। 5 में पाकिस्तान और 4 में इंग्लैंड को जीत मिली है। 1 मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। वहीं वनडे में दोनों टीमों के बीच अब तक 51 मुकाबले हुए। 31 में पाकिस्तान और 56 में इंग्लैंड को जीत मिली है। 3 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं। हालांकि फॉर्म के आधार पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन इंग्लैंड भी पिछले मैच में जीत के बाद जो है उनका जो आत्मविश्वास जो है बड़ा रहेगा। वही वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान नीदरलैंड को हराकर सफर का यहाँ पर शानदार आगाज किया था। उसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका को हराया था। उसके बाद 4 लगातार मैच पाकिस्तान हारा। उसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका से हार मिली थी। हालांकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे पिछले 2 मैचों में 2 जीत लगातार मिली है, जिससे यहाँ पर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं।